रमजान में सामूहिक नमाज एवं रोजा अफ्तार पर होगी पाबंदी। जी हां, कोरोना संक्रमण में पहले ही विभिन्न धर्मों के अनेक त्योहार होली, रंग पंचमी, नवरात्रि, महावीर जयंती, सिंधी समाज के आयोजन, बिहिप के आयोजन समेत रामनवमी, हनुमान जयंती भी इस संक्रमण की भेंट चढ़ गए। इस दौरान मंदिरों में घंटी तक नहीं बजी। अब लगता है रमजान का त्योहार भी इसकी भेंट चढ़ेगा। आज देहात थाने में आयोजित बैठक में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व प्रकाश नायक, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस ज्ञान प्रकाश अग्रवाल, देहात थाना प्रभारी बीरेंद्र मचकुलिस समेत अनेक अधिकारियों ने मुस्लिम धर्म गुरुओं को बताया कि सूबे में धारा 144 लगी हुई है व देश में लॉकडाउन के चलते सभी धार्मिक स्थल बंद हैं। इसके कारण 5 से अधिक लोगों को एकत्रित होने पर पाबंदी है, इसलिए घर पर रहकर त्योहार मनाएं। अनुभागीय अधिकारी प्रकाश नायक ने स्पष्ट किया है कि ऐसा कोई आयोजन नहीं होगा जिसमें भीड़ एकत्रित हो। मस्जिद परिसर में भी 5 लोग से अधिक नागरिकों के एकत्रित होने पर पाबंदी है। किसी भी प्रकार की सामूहिक नमाज एवं रोजा अफ्तार ना करें, क्योंकि बीमारी मजहब नहीं देखती, जान है तो जहान है। घर पर रहकर त्योहार मनाएं और प्रशासन द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करें। विदिशा से एलन चौबे की एक रिपोर्ट। थाना देहातगंज बासुदा में वरिष्ठ अधिकारी के निर्देशन में एक मीटिंग रखी गई, जिसमें कि जो रमज़ान को लेकर सभी जितने भी वरिष्ठ नागरिकगण थे उन लोगों को बुलाया गया था। उनको एसडीएम साहब द्वारा निर्देशित किया गया है, क्योंकि कोरोना वायरस संक्रमण बहुत अत्यधिक रूप से उसका फैलाव हो रहा है, तो उसको उसकी सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए किस तरीके से हमको रमज़ान का जो पवित्र त्यौहार है वो कैसे मनाना है, उस संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं तथा लोगों को भी पाबंद किया गया है कि आप अपनी एक सुरक्षा एहतियात रखते हुए इस त्यौहार को मनाएं। मस्जिदों में ये निर्देश दिए गए हैं कि 5 व्यक्ति नमाज अदा करेंगे, है ना, उससे अत्यधिक लोग नहीं हो, वो भी एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए, और अन्य कहीं भी एक समूह एकत्रित होकर कुछ भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे कि लोगों में कोरोना वायरस संक्रमित हों।